स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक होगा। पहले हम अपनी पिछले वीक की एनालाइज देख लेते हैं। जब हमने पिछले वीक एनालाइज किया गोल्ड को तो 2062 पे था, और मेरा कुछ ये कहना था कि ये अपसाइड जा सकता है। आप देखिएगा 2071 का एरिया जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो है वो ये अपसाइड जो है वो 2078 को टेस्ट करेगा, और यहाँ से इसके रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फर्स्ट टारगेट 2049 है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 2032 तक जा सकता है। यहाँ तक के ही चांसेस मेरे हिसाब से थे, और मैंने ये कहा था कि इस वीक में आप कोशिश करके अपसाइड जो 2071 का एरिया है इसके आसपास से, या फिर आप इन एरिया से मतलब 2062 का जो एरिया ओपन है इससे नीचे कहीं क्लोज होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। इट मीन्स कि वीकली कैंडल जो है वो सेल में क्लोज होगा। 2062 ओपन है तो आप इसके नीचे ही वीक क्लोज देख सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी ट्रेड को मेंटेन करिएगा। क्लोजिंग इसकी नीचे ही कहीं लगने के ज़्यादा चांसेस होंगे, तो अपसाइड आप बाय को अवॉइड करें ज़्यादा बेहतर है, और सेल को ही देखें। और आप देख सकते हैं कि ये एक सेल कैंडल क्लोज हुआ है। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है वो कौन से इंपोर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं चैनल पर नए आने वाले ट्रेडर से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, और लाइक शेयर जरूर किया करें। ये लाइक शेयर जो है वो आपका मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, और हमारी मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। इसलिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट्स बॉक्स में अगर कुछ आप मुझसे जानना चाहते हैं अगर नॉलेज के हवाले से, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है वो मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके मैं बता सकूं। और अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट वीक के हवाले से। नेक्स्ट वीक में अगर यहाँ पोजीशन देखें फिलहाल तो ये सेलिंग ही दिखा रहा है अभी भी। अब दिखा तो सेलिंग रहा है, लेकिन यहाँ से शायद ये 51 काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ तक ये 51 का एरिया मैंने वैसे लेवल लगाया नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा अगर ये 51 ब्रेक कर जाता है, मैंने अब फिलहाल नहीं लगाया यहाँ पर। आप देखिएगा अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर यहाँ तक जाने के चांस होंगे, और यहाँ से फिर इसके अंदर दोबारा यहाँ तक, और अगर ये एरिया ऐसे सपोर्ट रहता है तो फिर दोबारा अपसाइड भी जा सकता है यहाँ से। और अगर ये ब्रेक क्लोज होता है डे में तो फिर यहाँ तक चांसेस होंगे इस तरह। और तो ये जो है ये तकरीबन एक काफी जो है वो ये समझ ले के सपोर्ट के चांसेस नजर आ रहे हैं 2009 से 2017 का एरिया। वैसे तो मैं है ये माइनर माइनर लेवल, लेकिन सब कुछ अंदाजा हो इस तरह भी लग रहा है कि शायद ये माइनर एज सपोर्ट रह जाए। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है, आप देखिएगा 2009 के नीचे अगर डे क्लोज होता है, और यहाँ नीचे स्टे भी देखिएगा, क्योंकि ये अगर ये क्लोज भी करेगा तो ये अपसाइड जरूर मूव करेगा, और फिर ऊपर से रिजेक्शन पे अगर 2009 के नीचे क्लोज होने के बाद ये अपसाइड जाता है तो आप देख लीजिएगा 2033 और 2030 यहाँ इसके आसपास, यहाँ से रिजेक्शन के बाद इसके ज्यादा चांसेस होंगे 1973 के एरिया के नीचे के। तो इस तरह पोजीशन लग रही है फिलहाल। मेरा ख्याल है कि आप नेक्स्ट वीक भी अपसाइड जो इसके ये एरियाज हैं
जिस तरह मैंने प्रीवियस वीक बताया था कि आप इन एरियाज में से बाइंग ना करिएगा, सेलिंग ही देखिएगा। मैंने ये कहा था कि 2062 के नीचे ही कहीं दे क्लोज होना है, तो आप देख सकते हैं कि 2045 के पास क्लोज हुआ है। तो इट मींस अगर यहाँ से लगाएं तो 170 पिप्स जो है वो नीचे ही क्लोज हुआ है। तो इसी तरह से ये भी कुछ इस तरह ही दिखता हुआ नजर आ रहा है कि पॉसिबल है कि इसकी क्लोजिंग जो है वो कहीं नीचे हो, लेकिन इस कैंडल की नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग के सेल में होने का मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये तो नजर आ रहा है कि इसमें सेलिंग प्रेशर अभी काफी हद तक मौजूद है। फिर ये भी हो सकता है कि नीचे से होके फिर दोबारा अप भी चला जाए, मतलब यहाँ से अगर ये सपोर्ट होती है तो ये दोबारा अप भी आ सकता है कहीं ऊपर भी। तो मैं ये कंफर्म तो नहीं कह सकता कि ये भी सेल में क्लोज हो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये अभी तक सेल प्रेशर में है। नेक्स्ट वीक के ओपन होते ही जो है वो ये 2051 से लेकर इन एरियाज तक हो सकता है ये ऊपर निकल जाए, लेकिन वहां से अगर ये रिजेक्ट हुआ तो फिर काफी हद तक चांस होंगे कि 2033 के नीचे आ जाएगा। मतलब 2033 के नीचे क्लोज जब तक ना लगे देगा, फिर मतलब वीकली है तो मैं वीकली के हिसाब से बोल बता रहा हूँ, क्योंकि ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आ जाएगा वैसे ही, लेकिन ये कि दोबारा स्टे करेगा यहाँ पर। अगर इसने क्लोज इसने नीचे किया तो ये थोड़ा बहुत आप जाके फिर दोबारा इसकी यहाँ से इस तरह की मूव होगी। जिस तरह से ये देखे ना यहाँ पर अगर ये है, अब मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर 2033 का एरिया ब्रेक क्लोज होता है, यहाँ देखिएगा मैं समझा रहा हूँ वो ये इसको कि ये 2033 का जो एरिया था इसको एक ब्रेक क्लोज हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये स्टे करता रहा इस एरिया में, स्टे किया फिर दोबारा इसने दो जो है वो बुलिश कैंडल भी क्लोज किए। मतलब ये फिर दोबारा कहाँ तक गया ऊपर, हमारा लेवल था 2033 का, लेकिन ये 2040 तक गया अपसाइड यहाँ तक। लेकिन होना क्या था, क्योंकि हमारी एनालिसिस थी इट मीन्स के 2032 के नीचे क्लोज हो, तो ये अब गया जरूर, लेकिन हमें ये अंदाजा था कि कंफर्म है कि ये यहाँ तक आएगा। तो फिर इस तरह से ही लेवल ब्रेक होने का मतलब ये नहीं होता कि लेवल ब्रेक हो गया और सीधा सीधा चला गया। बाय द वे कई बार ऐसा होता है कि सीधे जो है वो मार्केट नीचे आ जाती है, लेकिन वो सीधी जब आती है जब वो ऑलरेडी ब्रेक हो, और जो अगर ऑलरेडी ब्रेक नहीं हो जो एरिया तो फिर वहां पर ऐसा मार्केट सीधा नहीं आती। तो यही है कि देखें ये इसने ब्रेक क्लोज किया एक कैंडल के बाद, दूसरा भी नीचे क्लोज किया, उसके बाद दो बुलिश क्लोज भी किए लेकिन उस लेवल के नीचे किए, उसके बाद इसने सेल किया जो 1973 को टैच किया। तो इस तरह से ही यहाँ पर भी चांसेस होंगे कि ये इस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है क्लोज करता है तो ये यहाँ तक आ सकता है। हाँ ये है कि 2009 का जो ये एरिया है इसके नीचे अगर डे क्लोज करता है तो ये दोबारा टेस्ट करेगा 2034 को, और यहाँ से फिर 1973 का एरिया होगा, यहाँ तक ज्यादा चांसेस होंगे। तो मेरे ख्याल से जो मेरे समझ में आ रहा है वो नेक्स्ट वीक कुछ इस तरह ही पोजीशन होने वाली है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिए। Thank you.